देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हिसार मिल गेट निवासी विनोद की करीब आधा दर्जन युवकों से पैसे के लेन देन को लेकर देर रात अपहरण कर हत्या कर दी गई। बता दें आपको, पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान पर दो लोगों को नामजद कर करीब आधा दर्जन युवकों पर मामला दर्ज कर लिया है। मृतक विजय के भाई सोमनाथ ने बताया कि देर रात उसके पास संजय नामक युवक का फोन आया था और उन्होंने उसे कहा था कि उसका भाई उनके कब्जे में है और वो उन्हें पैसा दे दें। सोमनाथ ने बताया कि इस बारे में उन्होंने पुलिस को भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस के जरिए उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच अधिकारी ईश्वर ने बताया है कि दो लोगों को नामजद कर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। दूसरे दिन मेरे द्वारा संजय का फोन आया, तो ये आया 1:30 बजे से आया। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा, बोले विजय मार दो रहे है भाई, आ जाए पीछे, कब है, बोले मेरे घर के देवोगे, मेरे भाई के देवो, मतलब अपहरण कर लिया विजय। हाँ, मुझे साथ चले। तो हाँ, चल कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, थोड़ा सा मेरा काम है, रोड से समेट के सामान इकट्ठा करके तो आऊँगा, 2-2.5 घंटे तो लगेंगे। बोला ठीक है, मैं सामान से इकट्ठा करा, मैं 3:30 बजे घर पहुँचा। घर से 2-4 आदमी इकट्ठे करे, उनसे बात करी, वहाँ निश्चित एक्स्ट्रा बात, बोले उनके घर चला, तो उन्होंने सब लगाया, बोले आपके पहला चौकी में चलाऊंगा, तो हम चौकी में चले गए, रिपोर्ट दे दी, 5 बजे दे दी थी। तो क्या कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस ने जी उस टाइम तो कुछ भी कार्रवाई नहीं की, और संजय से बात जरूर करी। संजय बोला जी मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया फोन। तो रात को क्या करना? रात को तो कोई बैठा को नहीं, रात में तो पुलिस वाले गए जी मेरे पास 2-3 बजे थे, हमने सही टाइम भी कौन पता, ये बोले भाई चल सिविल में चलो। वहाँ के बात हुई, बोले तेरा भाई का चोट लग रही है, हम आगे हम आए तो आके देखा तो ठंडा हो जाता। आगे बढ़ेंगे। होटल में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जरिए जून में चोरी, यहाँ पर पकड़ो विषय अभियान चलाया था। बता दें आपको, इस अभियान के दौरान विभाग ने चोरी के 143 मामले पकड़े और इनमें बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 40,62,000 रुपए का जुर्माना लगाया, 19,85,000 वसूले गए और कई सालों से बिजली का बिल जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टरों से विभाग ने 1,01,18,000 रुपए वसूल किए। होटल में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के डिवीजन के कार्यकारी अभियंता एस राणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि होटल में नए डिवीजन को मई महीने में बनाया गया था। और कितना हुआ? 143 चोरी पकड़ी जून में और 19,85,000 रुपए जुर्माना वसूला है और 40,62,000 रुपए जुर्माना डाला, जिसमें से जुर्माना डाला 40,62, उसमें से 19,85 आया। तो सर कितने लोग इस मतलब डिविजनल में कितने डिफाल्टर हैं, कितना अमाउंट उनके पास पड़ा हुआ और कितना उनसे वसूला गया? डिफाल्टर तो टोटल हमने 678 का वसूला है जून में, 678 डिफाल्टर से 1,01,18,000 रुपए वसूले सारा बिल कलेक्शन करके जो भी किया, ये अमाउंट बढ़ती थी, हमने रिकवर कर लिया है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। लोगों से भी अपील करेंगे चोरी ना करें, बिजली के बिल टाइम पे भरें और लोगों को भी पड़ोस पड़ोस में भी जो चोरी करता उसको समझाएं कि भी चोरी ना करो, गलत बात है, जुर्माना इतना पड़ता है, बेइज्जती होती है समाज में। आगे बढ़ेंगे। भिवानी के सेठ करूणीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए ड्रग्स एब्यूज नामक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बच्चों ने नशे से होने वाले नुकसान को अपनी चित्रकारी में उतारा। वहीं बच्चों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी भूमिका निभाई। भिवानी के CMO डॉक्टर आदित्य स्वरूप गुप्ता ने स्कूल में जाकर बच्चों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी और चित्रकारी प्रतियोगिता में जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया। सेट करूणीमल राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य शिव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके स्कूल में
ड्रग्स अब्यूज डे कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में जागरूकता फैलाकर हम नशे को देश में से जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। ये हमें ड्रग अब्यूज डे के ऊपर हमारे स्कूल में प्रतियोगिता कराई गई है। इसके हमें पता चलता है कि हमें ड्रग्स और ये जो भी ये रैकेट है ये सभी बंद करना चाहिए। ड्रग्स वगैरह लेना लोगों से नशा मुक्ति से करवाना चाहिए। लोगों को सिगरेट बीड़ी इत्यादि को कम से कम करवाना चाहिए, जिससे हमारे हार्ट में दिक्कत और हमारे पूरी एक 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 परिवार में एक ही व्यक्ति के कारण से हमारा पूरा परिवार जा सकता है। यदि हम अगर सिगरेट बीड़ी या फिर धूम्रपान इत्यादि को रोकेंगे और ड्रग अब्यूज से वो कम करवाएंगे तो हमारी जीने लाइफ हार्ट ठीक रहेगा और हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। आज ड्रग अब्यूज एंड ड्रग डी एडिक्शन डे है, जो कि हमारे इस एरिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें जो अभी इस समय जवानी की दहली पर मतलब जो बच्चे कदम रख रहे हैं, उन बच्चों को ड्रग अब्यूज़ के बारे में जानकारी देनी है कि इसके क्या क्या नुकसान है, ताकि वो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो डेलिकेट जो एज होती है वो यही होती है बिगड़ने वाली, बच्चों के बिगड़ने वाली, किसी भी गलत आदमी के संगत में आके वो ड्रग्स वगैरह लेना ना शुरू करें। तो उसके लिए आज हमने एक जागृति के लिए इनको एक कंपटीशन, पेपर कंपटीशन की अपने अपने ड्रग से रिलेटेड आपकी क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं को इन्होंने अपने अपने जो शीट्स पर उबेरा है कि किस तरह से ड्रग्स है वो आम इंसान को प्रभावित कर सकती है, आम इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हमने आज बच्चों को जागृति करने के लिए एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। तो दिल्ली फरीदाबाद बाईपास रोड के पास झाड़ियों में पुलिस को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जहां शव की हालत को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की हत्या की गई है, क्योंकि शव के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। तो वहीं आदर्श नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। एक नाम पता ना मालूम है, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल क्या है जी। जो इसकी शनाख्त के प्रयास जारी हैं, जैसे ही पता चलेगा आगामी कार्रवाई अमल बनाई जाएगी। किसको कैसे पता चला पुलिस को, किसने सूचना दी? पुलिस गश्त पे थी जब डेड बॉडी पड़ी देखी गई पीसीआर द्वारा। तो क्या कोई दस्तावेज मिला है इसके पास से? नहीं, कुछ नहीं मिला इसके पास जिससे इसकी शनाख्त हो सके। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई को फतेहाबाद जिले में होने वाले जनक्रांति रथ यात्रा को कामयाब करने के लिए पूर्व सीएमपी प्रहलाद गिलाखेड़ा ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर MSP चुनावी दबाव के कारण बढ़ाया है और अभी तक ये भी पता नहीं है कि सरकार बढ़ाए गए MSP पर फसलों की खरीद करेगी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार को 4 वर्ष से अधिक हो गया है, इन 4 वर्षों में प्रदेश की जनता को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार।